दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं राधा राणा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल राधिका ब्लॉग्स उत्तराखंडी पे। और सभी को मेरी तरफ से मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज का ब्लॉग ना मैं काफ़ी लेट स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी दिखाती हूँ मैं अपने किचन का हाल कि मैं क्यों लेट स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग, क्योंकि आज पूरे दिन ना हम इसी काम में लगे थे। ये पूरे मतलब सवेरे से ये कवर्ड सारे निकाले हम लोगों ने और पूरा दिन मतलब ऐसे ही काम में ही कट गया। और अभी मतलब मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम मिला है, तो ये शाम की चाय के साथ मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और मतलब बहुत ही इतने दीमक निकले ना, बहुत ज़्यादा दीमक निकले इसमें, बहुत ही गंदा पूरा मतलब खा दिया था अंदर पूरा, जो दीमक का जाला होता है ना मिट्टी, वैसे घर जैसा बना दिया था। हाँ हाँ हाँ, आप भी बनाओगे तो हेलो तो बोल दो फिर। हेलो। हाँ, मेरे बेटे को भी ब्लॉग बनाना है कि मम्मी मैं भी बनाऊंगा ब्लॉग। बोलो कि हमारा किचन पूरा खराब हो गया है, दीमक लग गया था ना बाबू, ये पूरा निकाल दिया ना। हाँ, वो कीड़ा था। कीड़ा था। हाँ। हाँ। क्यों, अब क्या जानते हैं ना कि उसे दीमक बोलते हैं, इसके लिए तो वो कीड़े ही थे। इतना ऐसे डर रहा था कि कितने सारे कीड़े हैं मम्मा, बिल्कुल, और इतनी मत बहुत था। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं अब चाय दे देती हूँ और उसके बाद मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी। आज ही मतलब घर से आए थे ये अरबी के पत्ते, तो मैं अरबी के पत्तों के ये पितौले बनाने वाली हूँ। मतलब हमारी वैसे तो ये जो अरबी की सब्जी होती है, अलग अलग क्षेत्र में इसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं, तो हमारे यहाँ यहाँ पर पितौड़ करके पितौले पितौड़ इस तरह कहते हैं। तो हमारे उसमें मतलब और इसको बनाने की भी बहुत सारी विधियाँ होती हैं, तो जो हम लोग मतलब अक्सर यूज करते हैं ये बनाने के लिए, वो विधि आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहना। और अभी के लिए मैं चाय दे दूँ सभी को, तो मिलते हैं आपको कुछ टाइम बाद। पी लिए हमने। और ये दिवित को देखो, दिन भर ये साइकिल ही चलाता रहता है अपनी, ये हाय ये, और ये इसमें पोयम भी आते हैं, पूरा दिन यही काम करता है। और यहाँ पर मतलब घोल मैंने बना लिया था पहले ही ये, और मतलब मम्मी मेरी सहायता कर रहे हैं, वो फैला रहे हैं ये इस तरह फैलाते हैं दोस्तों। ये मतलब मैंने ये साफ कर लिया था फर्श, क्योंकि मतलब प्लेन में ना बहुत अच्छी तरह से फैलता है ये। और इसको देंगे हम कछुए का सेप, जैसे कछुए की पीठ होती है ना ऊपर से ऐसे गोल थोड़ी, वैसी देंगे। इसीलिए हमारे यहाँ इसे कछुआ पितौला भी बोलते हैं, क्योंकि मतलब इसका शेप जो होता है वो बिल्कुल कछुए की तरह होता है। वो मैं लास्ट में दिखाऊंगी आपको, अभी तो इसमें पूरा फैलाना है ये एक एक नीचे सबसे बड़ा पत्ता रखा है हमने, और ऊपर इसके छोटे छोटे रखते जा रहे हैं और पूरा सब फैलाते जा रहे हैं। और ये पूरा जब मतलब पूरा लग जाएगा, तो इसको ये बड़े वाले पत्ते को ना इस तरह से पलट देंगे उसके ऊपर, इस तरह बनेगा ये। ये देखो मतलब मम्मी का हाथ बहुत तेज है ना, वो फटा, मैं तो थोड़ा धीरे काम करती हूँ, मैं धीरे धीरे फैलाती हूँ, और मम्मी बहुत जल्दी जल्दी फैला देते हैं, इसीलिए मैंने उनसे बोला, तो मेरी हेल्प कर रही है इसीलिए। Thank you.
लिया था जो बेसन का घोल था वो, और अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये है ना, ये बिल्कुल गोल, देखिए गोल शेप में है ना, तो मतलब ये बिल्कुल गोल शेप में होता है ना, जैसे कछुए की पीठ होती है, ये अच्छी तरह से हुआ नहीं, नहीं तो बीच में पता है ये ऊंचा ऊंचा जैसा होता है, जैसे कछुए की पीठ इस तरह गुंबदाकार नहीं होती है, तो इसीलिए मतलब हमारे यहाँ इसको कछुआ पितौला बोलते हैं। मतलब जैसे विधि तो दो तीन तरह की भी है, एक अलग भी है, एक रोल जैसे बना के करते हैं, इतनी तरह इतने मोटे मोटे गोल रोल भी लपेटते हैं इसको, तो गोल रोल करके बनाते हैं, और एक ये, तो मैंने सोचा रोल वाला तो मैंने मतलब हर किसी को देखा है, तो मैंने सोचा आपसे ये वाली विधि शेयर करती हूँ कि हम लोग इस तरह भी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया, और इसमें वो मतलब कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गई, आप लोगों से बात कर रही थी ना इसीलिए, तो अब मैं इसमें डालती हूँ और दिखाऊंगी, बिल्कुल कछुए के शेप की तरह ही होगा, जैसे कछुए की पीठ का शेप होता है ना वैसे ही दिखेगा आपको। और ये मैंने इसमें तेल में डाल दिया, ये मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही क्योंकि ये फैली हुई है ना, और प्लीज ये इग्नोर कर देना क्योंकि इसमें जंग थोड़ा, अभी बरसात का टाइम है ना इसलिए जंग लग गई है, ये मतलब मैं साफ करती हूँ अच्छे से साफ ही नहीं होती है। और देखिए दोस्तों मैंने बताया था ना बिल्कुल जैसे गोल है, जैसे कछुए की पीठ होती है वैसे ही है इसका शेप। तो अब इसको मैं ढक दूंगी, और इसको दो विधि से भी बनाते हैं, मतलब जो रोल वाला होता है उसको हम भाप में भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये वाला जो मेथड है इसको, इसे हम मतलब तेल में ही बनाते हैं तेल, और इसको मैं ढक दूंगी बर्तन से जो होती है हमारी ढकने वाला, तो उसे ढक दूंगी तो ये भाप में हो जाएगा। ये इसमें ना मैं अब ये चाकू चुबा के देखूंगी, ये देखिए अब ये दोस्तों पक चुका है क्योंकि ना ये काफ़ी सॉफ्ट जा रहा है बिल्कुल, और भाप बन गई थी ना तो फूल गया था। ये देखिए मेरा ये पितौल, जो पितौला बोलते हैं हम लोग, वो पक चुका है। अब मैं इसको उसमें रख दूंगी और ठंडा करने के लिए ना, क्योंकि ठंडा करके ही हम लोग पीसेस काटेंगे इसके। तो ये मैंने अपना पितौले कट कर लिए हैं पीसेस में, और यहाँ मैंने लहसुन और प्याज भी कट कर लिए हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च कट कर लिए हैं, और यहाँ मैंने अपनी कढ़ाई में तेल भी डाल दिया है गर्म होने के लिए, अब इनको हम छौंकेंगे। दोस्तों मेरे पितौले तैयार हैं ये, और मैंने इधर अलग से प्लेट में रखा है क्योंकि मतलब मैं इन्हें टेस्ट करने के लिए ले जाऊंगी अभी, और तो हम लोग खाना दाल चावल के साथ खाएंगे, पर ये प्लेट वाले मैं अभी टेस्ट करा देती हूँ कि कैसे बने हैं। और इसको ना आप दो तीन तरह से खा सकते हो, आप रोटी के साथ भी खा सकते हो, दाल चावल के साथ खा सकते हो, अगर इस तरह आप नहीं खाना चाहते तो जैसे वो भाप में उबले थे ना, तो उसी टाइम आप जैसे उसको छौंक ना देके आप उनको पीस में कट करके तल के आप चाय के साथ भी पकौड़े टाइप में खा सकते हो, तो मतलब बहुत तरीके से खा सकते हैं। और जैसे ये दिख रहे होंगे ना आपको, ये काले काले लोहे की कढ़ाई में बनाए ना मैंने, इसीलिए काले हैं ये, लेकिन इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, आप जरूर एक बार ट्राई करना। और अब मैं ये ले जाती हूँ खिलाने के लिए, टेस्ट कराने के लिए, लो एक बार टेस्ट ले दिब्बू, हाँ टेस्ट करके दिखाओ, हाँ ले यार जल्दी कर, ये देगी दोस्तों ये। अच्छा ये पहले उबले हुए ले गया था, कैसे बने? कैसे बने पापा? बहुत बढ़िया। ले एंजल तू भी टेस्ट कर, ये नहीं करेगी। कैसे लगे मम्मी? पितौले तो मैंने टेस्ट करा दिए और सबको बहुत अच्छे लगे, और अब मैं खाना खिलाऊंगी, तो मैं इस ब्लॉग को अब एंड करती हूँ। और ये ब्लॉग अगर तो हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो दपन दबा देना, और दपन दबा देने का मतलब होता है लाइक कमेंट और सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना, है ना दिब्बू? हाँ। ताकि हमारे ब्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बाय बाय, थैंक यू फॉर।